वेलकम बैक गाइस ऑन आईटी कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई जावा इज लूजिंग देयर पॉपुलैरिटी ऑन दीज डेज। जावा कोई साधारण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर आज की डेट में मार्केट कैप्चर की बात करें तो लगभग 3 बिलियन डिवाइसेस सिर्फ जावा पे चटरन होती हैं। साथ में इम्पॉर्टेंट ये भी जानना है कि जावा का पॉपुलैरिटी गिरने का मतलब ये नहीं है कि जावा ख़त्म हो रहा है। जावा का पॉपुलैरिटी गिरने का मतलब ये है कि पहले जावा अगर 100 नंबर पे था तो अभी वो 97 या 98 पे स्टैंड कर रहा है। तो हम लोग समझेंगे वो 5 मेन पॉइंट जिसके कारण आज जावा की पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो रही है। जो 5th नंबर पे पॉइंट है उसमें मेरा ऐसा मानना है कि वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जावा की पॉपुलैरिटी गिरने का। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं 5 पॉइंट। तो पहला पॉइंट है कि जावा आज की डेट में केवल 3% ही सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। आपको पता है कि सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर अभी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का PHP, Node.js, Django और Flask जैसे फ्रेमवर्क का है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स और ऐसे सपोर्ट जावा के साइड से भी अवेलेबल हैं जिसको हम लोग बैकएंड प्रोग्रामिंग या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लेस नंबर ऑफ अमाउंट में है। जैसा कि केवल 3% ही ऐसा है जहाँ पे जावा को एज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। तो बाकी जो 97% है वो किसी अनदर लैंग्वेज या अनदर फ्रेमवर्क के द्वारा कैप्चर किया गया है। सेकेंड पॉइंट है कोटलिन। जैसा कि पता है कोटलिन गूगल की ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड के लिए। पहले जो भी सारे ऐप बनते थे जावा के थ्रू वो सारे आज की डेट में कोटलिन पे बन रहे हैं। तो इससे जावा को एक और लॉस हुआ है। गूगल अगर कोटलिन को रिप्लेस कर रही है जावा के रिप्लेसमेंट के तौर पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे जगहों पे कोटलिन ला सकती है। बहुत सारे ऐसे अभी भी फील्ड हैं या एरियाज हैं जहाँ पर जावा की ज़रूरत पड़ती रहेगी गूगल जैसी कंपनियों को भी। कोटलिन का इंट्रोडक्शन सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ही है और जावा सीखने का एक बहुत बड़ा रीजन होता था एंड्रॉयड डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग को पता है कि पाइथन अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए उतना फिजिबल नहीं है। और आज के डेट में कोटलिन के आने के बावजूद भी लगभग 80% एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जावा का ही यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है डेटा साइंस। आज की डेट में बहुत हॉट जॉब प्रोफाइल है डेटा साइंटिस्ट। बट डेटा साइंटिस्ट अगर आपको जॉब प्रोफाइल अचीव करनी है तो उसके लिए दो ही वे अभी फिजिबल हैं। पहला है पाइथन और दूसरा है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ भी जावा थोड़ा पीछे है अभी। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जावा के मार्केट में गिरते हुए पॉपुलैरिटी का। आज के डेट में लगभग हर ऐप मशीन लर्निंग AI का यूज करके डेटा एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है जावा बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत ही कम ही ऐसे फ्रेशर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का स्टार्ट जावा से करते हैं। मैक्सिमम लोग C, C++ और आज के डेट में पाइथन से करते हैं, क्योंकि पाइथन थोड़ी ईजी लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स। पाइथन का सिंटैक्स काफ़ी ईजी है, बट जो ही जावा का सिंटैक्स काफ़ी डिफिकल्ट है। इवन यहाँ पे आप फंक्शंस भी नहीं बना सकते, यहाँ आपको सीधे क्लास बेस्ड अप्रोच या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल का ही यूज लेना होता है। और जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके मदद से बड़े बड़े डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। और 5th पॉइंट है बिल्ट इन पैकेज का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजिली सीखने के लिए या कुछ टास्क को ईजिली परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि पता है कि पाइथन के पास बहुत बड़ा सपोर्ट है पैकेजेस का। इन नंबर 118,932 पैकेज अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर और हर सिंगल मंथ ये लगभग 2000 से बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें या जावा की, तो जावा के वर्जन 14 जो कि अभी चल रहा है उसमें 224 पैकेज और 4569 क्लासेस अवेलेबल हैं एज अ बिल्ट इन। अगर बाकी इसके बाद आपको कुछ करना है तो आपको उसके लिए मैनुअली कोड लिखना होगा और उसका यूज करना होगा। तो यहाँ भी पाइथन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पड़ता है जावा से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जावा की पॉपुलैरिटी पीछे होने का। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।